ये वो शब्द हैं जिन्हें सुनकर अक्सर खुशी मिलती है, लेकिन उस दिन साहिल ये शब्द सुनकर डर से कांप उठा। साहिल का ट्रांसफर अक्सर अलग अलग शहरों में होता रहता था और इस बार शहर था रायपुर। साहिल को काफी कम रेट में एक बड़ा सा घर मिल गया था, क्योंकि वहां के आसपास के लोगों की नजर में वो घर शापित था। साहिल इन बातों में यकीन नहीं करता था, इसीलिए वो घर उसने ले लिया। लेकिन उस दिन के बाद उसकी सोच बदल गई। जब से साहिल उस घर में आया था, कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था, बिना हवाओं के पर्दों का हिलना, किचन से अचानक रात में बर्तनों का गिरना, तो कभी बेवजह पास की झाड़ियों से सियारों की आवाजों का आना। लेकिन वो हर बात को नजरअंदाज करता रहा। फिर उस संडे कुछ ऐसा हुआ जिसे सोचकर आज भी साहिल कांप उठता है। उसके बच्चे की छुट्टियां चल रही थी। तेज दोपहर होने की वजह से वो लोग घर में ही खेल रहे थे। खेलते खेलते साहिल का बेटा आरव स्टोर रूम में चला गया। साहिल ने देखा स्टोर रूम में तो कोई नहीं है। साहिल को समझ नहीं आया कि आखिर आरव गया कहाँ। वो उसे ढूंढने स्टोर रूम से बाहर आया ही था कि उसे किसी के हंसने की आवाज आई। साहिल समझ गया कि आरव स्टोर रूम में छुपा हुआ है और साहिल भी वहीं खड़े होकर आरव का बाहर आने का इंतजार करने लगा। आरव तो बाहर नहीं आया, पर अंदर से एक बॉल साहिल की तरफ आई। ये बॉल इससे पहले साहिल ने कभी नहीं देखी थी। उसने सोचा शायद पहले के किरायेदार की होगी और उसने बॉल वापस अंदर फेंक दी। वो फिर बाहर आ गई। ये खेल काफी देर तक चलता रहा। फाइनली साहिल फिर से आरव को अंदर देखने के लिए गया, लेकिन फिर उसे कोई नहीं मिला। थोड़ी ही देर में उसे एक परछाई दिखाई दी, सिर्फ परछाई, वो भी किसी बच्चे की, जो बार बार इधर उधर घूम रही थी। साहिल को थोड़ा सा अजीब लगा और अगले ही पल उसने आरव की आवाज सुनी, स्टोर रूम से नहीं ऊपर के रूम से। हेलो पापा। अगर आरव ऊपर है तो यहाँ कौन है? साहिल बहुत तेज चीखा, जिसे सुनकर उसकी पत्नी किचन से दौड़ कर आई और उसने देखा साहिल बुरी तरह कांप रहा था। उसकी पत्नी ने उससे काफी कुछ पूछा, लेकिन साहिल कोई जवाब नहीं दे रहा था। जैसे तैसे उसकी पत्नी उसे बेडरूम में ले आई। उस रात साहिल को बहुत तेज बुखार आया। उसे देखने पड़ोस से एक व्यक्ति ऋषभ आया था। उसने बताया कि बहुत साल पहले एक बच्चे की अचानक मौत हो गई थी। कैसे और क्यों तो उसे नहीं पता था, लेकिन उसने सुना था कि इस घर में आने वाले हर किसी को उस बच्चे की परछाई दिखती है, पर वो बच्चा नहीं दिखता। उन्होंने अगले ही दिन वो घर छोड़ दिया और नए घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन एक दिन जब साहिल अपने घर के गार्डन में पानी दे रहा था, उसे जमीन में एक चीज दिखाई थी। उसने जैसे ही मिट्टी हटाई तो वो वही बॉल थी जो उसने स्टोर रूम में देखी थी और उसके कानों में वही बच्चे की गूंज और हंसी बार बार गूंज रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।